victory! He for victory! He for victory! He for ये जीत का उद्घोष है, क्या संसद परिसर और क्या कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरों पर चमक छा गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मानो उत्सव ला दिया हो। ये फैसला मोदी सरनेम मानहानि मामले में आया है, जिसमें राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में ये माहौल बना हुआ है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या माहौल था, इस केस की वो अहम दलीलें क्या रही और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसी क्या पांच बड़ी बातें कही हैं, इस वीडियो में हम उनकी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उन दो अहम दलीलों को जिसके आधार पर राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली। मानहानि केस में अधिकतम सजा। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमने ऐसा कोई भी संगीन अपराध नहीं किया है, फिर भी हमें अधिकतम सजा दी गई है। कोर्ट ने दूसरे मुकदमों को आधार बना दिया, जबकि राहुल गांधी पर ज्यादातर केस राजनीतिक द्वेष से किया गया है। सिंघवी ने अपनी दलीलों में उन धाराओं का भी जिक्र किया है जो इस केस के हिसाब से बनता ही नहीं है, जिनके बारे में गवाह ने भी गवाही दी थी कि राहुल गांधी के इरादों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वकील सिंघवी ने यह भी दलील दी कि राहुल गांधी का भाषण किसी भी खास व्यक्ति को लेकर नहीं था। पुर्णेश मोदी को व्हाट्सएप पर मिला था कंटेंट। सीनियर लॉयर सिंघवी की दूसरी दलील पुर्णेश मोदी को लेकर रही। उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी की स्पीच की सीडी कोर्ट में पेश की जा रही है। उन्होंने सीडी के रेफरेंस पर सवाल उठाए कि ना तो शिकायतकर्ता ने सीडी बनाई है और ना ही उसे किसी ने दिया है। उन्होंने आगे अपनी दलील दी कि शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी को सारा कंटेंट व्हाट्सएप के जरिए मिला था। इसके साथ ही सिंघवी ने और भी दलीलें दी जिनके आधार पर राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जिनमें से पांच मुख्य बातें कोर्ट ने क्या कही ये भी जानना जरूरी है। अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं दिया गया। जस्टिस गवई ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल जज ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं दिया है, इसलिए अंतिम फैसले तक दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। सजा एक दिन कम होती तो ये प्रावधान लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक खासकर जब अपराध असंज्ञेय, जमानती और कंपाउंडेबल है, ट्रायल कोर्ट के जज से उम्मीद की जाती है कि अधिकतम सजा देने का कारण दे। ध्यान देने की बात यह है कि इस अधिकतम सजा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू हुए हैं। अगर सजा एक दिन कम होती तो ये प्रावधान लागू नहीं होता। फैसले से वोटर्स पर भी असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसका प्रभाव व्यापक है। इससे न सिर्फ याचिकाकर्ताओं का सार्वजनिक जीवन में बने रहने के अधिकार पर असर पड़ा है, बल्कि उन वोटरों का भी जिन्होंने उन्हें चुना है। जस्टिस गवई ने कहा कि हो सकता है कि अगर ऐसी टिप्पणियां याचिकाकर्ता की तरफ से ये बातें कहने से पहले आती तो वो ऐसी टिप्पणियां करने से पहले ज्यादा सावधान रहते, जो कथित तौर पर अपमानजनक है। उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिव्यक्ति अच्छे नहीं है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषणों में अधिक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है, जैसा कि इस कोर्ट ने अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अपीलीय और हाई कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि अपीलीय और हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक को खारिज करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन उनके आदेशों में इन पहलुओं पर गौर नहीं किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।